Hey, my dear family, welcome back to my channel. So today we are at Riders Planet. So as you know, पीछे आपको कितने सारे helmets दिख रहे हैं और उन पर काफी सारे riding gears भी हैं. So आज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे नया stuff है, काफी नए stuff आए हैं और यहाँ पे LS2 भी आ चुका है जिसकी हमें काफी ज्यादा इंतजार था और हमारे MD के काफी नए मॉडल्स आ चुके हैं यहाँ पे. So ये सारा का सारा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. तो ये वीडियो को आपने पूरा देखने स्किप बिल्कुल नहीं करना. स्किप किया तो फिर आप मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे. सो वीडियो आपने पूरा देखना है और एंड तक देखना है. वीडियो चालू करते हैं बिना किसी छुपछुपी के साथ. तो सबसे पहले मिलते हैं हमारे चंदन दोस्त से. क्या हाल है चंदन? तो ये हमारे आज कैमरामैन बनने वाले हैं और हम हेलमेट के बारे में बताएंगे. क्यों? जस्ट बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ राइडर्स प्लैनेट. सो हमें आपके हेलमेट्स की सारी नॉलेज हो चुकी है तो एक एक हेलमेट के बारे में सब बताने वाला मैं. तो चंदन वीडियो पूरा देखना है तो भाई आ जाए काम कर. आज कैमरा पकड़ने का काम सारा दे रहा है. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हेलमेट्स. तो हमारे स्टोर में कौन कौन से हेलमेट्स अवेलेबल है अभी. सो शुरुआत करेंगे हम एग्जोर से. एग्जोर में हमारे पास सबसे पहले ये कार्बन टच में हमारे पास एग्जोर का रेंज प्रो मॉडल है ये. तो दिस इज DoD ISI ACA सर्टिफाइड. काफ़ी लाइट वेट है ये और काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है. काफ़ी स्लीक सा है ये. इसका आपका जो रेंज है, रेंज आने वाला है अप्रोक्स 7950 रुपीज़. सो द नेक्स्ट वन इज एक्सोर एपिक्स. ये हमारा एपिक्स मॉडल है. ये मॉडल पूरे सभी जितने मॉडल्स हैं आपके, इसमें आपको सारे ग्राफिक्स अवेलेबल होंगे, मैट ब्लैक भी, शाइन ब्लैक भी. और इनकी रेंज आपकी जाने वाली है 4994. ये मेरा कोड वर्ड बोलने का है. सो 4994 तो 5000 मान सकते हो. देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्ट्रीट मॉडल की. एज यू नो बैटमैन एडिशन आया, कितना कुछ नया आया. तो यहाँ पे इसका ये वाला जो शेप है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. एक्सोर का बस मुझे यही शेप है जो पसंद आया अभी तक. सो ये आपको पड़ने वाला है सिर्फ 6500 रुपीज़ का. एंड जो एक्सोर ने अपनी नई सीरीज निकाली है, दिस इज मार्वल DC एडिशन. सो ये इनका मार्वल के साथ कोलैबोरेशन हुआ है. तो सी इतने अच्छे ग्राफिक्स हैं, न्यू ग्राफिक्स आए ये और सेम इसका कॉस्ट आएगा जो आपका स्ट्रीट का बढ़ने वाला है 6500 रुपीज ओनली. देन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेगा बोल्ट. इसके बाद हमारे पास आने वाले वेगा के हेलमेट्स. दिस इज वेगा बोल्ट. सभी वेगा बोल्ट ये. इसके अंदर दो तरह के आते हैं, एक आपका ग्राफिक्स और एक आपका नॉन ग्राफिक्स. जो प्लेन वाला होगा आपका, उसका आपका प्राइस आने वाला है 1800 और जो आपका ग्राफिक्स वाला है उसका जाने वाला 2000. और हाँ, दिस इज नेगोशिएबल. दिस वन इज ऑल्सो नेगोशिएबल और ये भी नेगोशिएबल है. आप आइए यहाँ पे आके डील कर कीजिए, जो आपको चाहिए आपको बेस्ट ऑफर हम देंगे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रट्स हेलमेट. सो स्ट्रट्स में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा थंडर, यहाँ पे आ जाएगा राइडर, दिस इज ट्रूपर एंड दिस इज द ड्रिफ्टर. सभी के प्राइस अलग अलग है. कुछ के 1800 भी है, कुछ के 2500 भी है, कुछ के 1900 भी है. तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बेस्ट डील जितना हो सकता है उतना हम देंगे. उसके बाद हम बात यहाँ पे तो ड्रिफ्ट खत्म हो चुका है. उसके बाद हम आ जाएंगे इस सेगमेंट में. सो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलने वाला है SMK का मॉड्यूलर हेलमेट. सो दिस इज द मॉड्यूलर जो आपका हाफ फेस भी बन जाएगा. इसके अंदर आपको एक सन वाइजर मिल जाएगा. सो काफी प्यारा है देखने में. और DoD ISI एंड ACA 22.06 सर्टिफाइड है ये. 22.05 एंड 22.06 के अंदर मेजर फर्क क्या है मैं बताता हूँ. 22.05 में आपके ओनली 5 तरह के क्रैश टेस्ट जो पास किए गए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. एंड 22.06 में आपके 18 टाइम्स क्रैश टेस्ट पास किए गए हैं. सो विच वन इज बेटर, 22.06 और 22.05? क्या प्राइस आपका बढ़ने वाला है 6450 रुपीज़. काफ़ी रिजनेबल है. बाकी हमारे स्टोर में आओगे तो हमसे बात करोगे, हम यहाँ बैठे हैं आपके डिस्काउंट के लिए. देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके टाइफन मॉडल की. सो दिस इज टाइफन मॉडल. टाइफन मॉडल का प्राइस आपको पड़ने वाला है 5150 रुपीज. DoD सर्टिफाइड है, ISI सर्टिफाइड है, ACA सर्टिफाइड है आपका ये. इसके अंदर आपको डुअल वाइजर मिल जाएगा. ठीक, ये रहा इसका डुअल वाइजर, मतलब सन वाइजर आप इसको कह सकते हो. ग्राफिक्स आपको इसके अंदर काफ़ी मिल जाएंगे, जो आपको पसंद आएगा ऑनलाइन जाइए, वेबसाइट में स्क्रीनशॉट निकालो. आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे भी आप हमें इसका इमेज भेज सकते हो. अवेलेबल होगा तो आपको देंगे, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोवाइड आपको हम करवा दें. देन उसके बाद हम बात, हाँ एक बात और, जितने भी बड़े हैं सभी के सभी सेम हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है. प्राइसिंग सेम है, बस कलर ऑप्शन हमारे पास काफ़ी है. सो मुझे इस मॉडल का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है. इसका नाम क्या था? स्टेलर. स्टेलर, हाँ. तो चंदन ने मेरी हेल्प कर दी, स्टेलर. सो ये मॉडल है स्टेलर. इसके अंदर आपको कोई डुअल वाइजर देखने को नहीं मिलने वाला. दिस इज
प्योरली मैट फिनिश का हेलमेट और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। पहन कर दिखाऊंगा तो पहन कर तो मुझे पहली बार में इस हेलमेट से बहुत प्यार हो गया था। सही गंजा हो गया ना मैं तो पहनने में मज़ा आ रहा है। तो आपको इसका प्राइस क्या पड़ने वाला है? इसका प्राइस आपका चले पड़ेगा 4300 है ना, 4300 ना। हाँ तो 4300 रुपये आपको इसका प्राइस जो है पड़ने वाला है। देन उसके बाद हम बात करेंगे ट्रैक्टर मॉडल की। इसमें आपको तीन तरह के मिलेंगे, एक ये सेकंड ग्राफिक वन एंड थर्ड इज द मॉड्यूलर मतलब सॉरी हाफ फेस, इसके अंदर हाफ फेस भी है। और इन तीनों की जो कॉस्टिंग है, तीनों की कॉस्टिंग अलग है, आपकी 4700 की। ग्राफिक और प्लेन में ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ कंपनी डिपेंड करती है। कुछ कंपनी सिर्फ 200 का फर्क रखती है, कुछ कंपनी 250 का रखती है, कुछ कंपनी सिर्फ 100 रुपये का रखती है। अलग अलग कंपनीज है, अलग अलग प्राइसेस अपने डिफरेंस रख देती है। बाकी हमारे पास आओगे, हम लोग तो आपको डिस्काउंट करने के लिए बैठे हैं, कोई बात नहीं। विजिट करो एक बार, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट हम आपको बताने वाले हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट माई फेवरेट ब्रांड, माई पर्सनल फेवरेट ब्रांड LS2। सो LS2 के अंदर हमारे पास आ चुके हैं तीन तरह के मॉडल। अभी तीन तरह के मॉडल कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज MX हेलमेट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डुअल स्पोर्ट्स हेलमेट। मतलब MX हेलमेट में और डुअल स्पोर्ट्स में फ़र्क तो होता है, वो फ़र्क क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी मैं आपको नॉर्मल बताऊँगा कि एक MX हेलमेट और एक हमारे पास मॉड्यूलर हेलमेट और एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग, तो मतलब हम नॉर्मल हेलमेट्स पहनते हैं फुल फेस हेलमेट। इसके अंदर आपको मिल जाएगा सन वाइजर, प्रॉपर से आपको इसका मिल जाएगा नॉर्मल वाइजर, वेंटिलेशन इसके अंदर मिल जाएगी इसी, इसके कलर कॉम्बिनेशन, इसके ग्राफिक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ISI सर्टिफाइड है, DOT सर्टिफाइड, आपका ECE 22.06 सर्टिफाइड है। बहुत झकास हेलमेट है, दिस इज माई फेवरेट ब्रांड कह सकते हैं। बाकी प्रीमियम ब्रांड्स में तो मेरा फेवरेट AGV या ओल्ड टाइम AGV रहेगा, बट लेकिन नॉर्मल में देखा जाए तो LS2 बहुत बढ़िया हेलमेट है अकॉर्डिंग टू मी। देन वी आर, हाँ इसका प्राइस की बात नहीं की हमने, इसकी प्राइस आपको बढ़ने वाली है ओनली ऑन 10,700 rupees। देन इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे ऊपर रखे हमने, वो सारे के सारे जो हमारे पास कलर्स हैं हमने ऊपर रखे हुए हैं, क्योंकि सारे डिस्प्ले हम नहीं कर सकते। कुछ हमने मॉडल्स डिस्प्ले कर रखे हैं, उसके कलर्स हमने ऊपर हमने गोदाम में रखे हुए हैं, कुछ हमने ऊपर रख रखे हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉड्यूलर, और दिस इज द नाटो ग्रे फिनिश, कितना प्यारा फिनिश है इसका आप देख सकते हो। LS2 ISI सर्टिफाइड, DOT सर्टिफाइड एंड 22.06 सर्टिफाइड अगेन। ये रहा इसका स्विच, आप एक बार LS2 की पैडिंग की क्वालिटी देखो, इसकी जो क्वालिटी है कितनी ज़्यादा प्रीमियम है। सो ये भी सिंगल स्विच में ऊपर आ जाएगा आपका। अगेन आपका यहाँ पे स्लाइडिंग में आपका सनवाइजर यहाँ पे आ जाएगा, सी लग रहा है बढ़िया। सो टूरिंग बाइक सोलो के लिए ये बहुत प्यारा हेलमेट होने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यारा हेलमेट। सो इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, ओनली 12,600। सो आपको करना क्या है, आपको बस हमारे स्टोर में आना है, जितना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट मैं आपको डील देने वाला हूँ। कुछ नेगोशिएट होगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मेरी तरफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आपको यहाँ ज़रूर मिलने वाला है। लाइक बालक लावा दे सकते हैं हम, अच्छा ब्रांडेड आपको और चीज़ें आपको काफ़ी दे सकते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इसके MX हेलमेट्स की। सो दिस इज द डुअल स्पोर्ट्स, दिस इज डुअल स्पोर्ट्स एंड दिस इज MX। द डिफरेंशिएट बिटवीन डुअल स्पोर्ट्स एंड MX इज जो हमारे MX हेलमेट है ओनली फॉर ट्रेल राइडिंग्स के लिए होते हैं, उसके अंदर आपको सनवाइजर नहीं मिलता, नॉर्मल वाइजर नहीं मिलता, उसमें आपको गॉगल्स लगाने पड़ते हैं। बट डुअल स्पोर्ट्स हेलमेट ओनली फॉर एडवेंचर राइडिंग, यहाँ पे आपके जो वाइजर है इसके अंदर आपको वाइजर मिल जाएगा एंड आपको इसका सनवाइजर जो है वो भी मिल जाएगा, इसका स्विच ये रहा। सी सो दिस इज द डुअल स्पोर्ट्स हेलमेट एंड इट कॉस्ट 9,200 ओनली। तो आप आइए यहाँ पे, इसमें भी काफ़ी ऑप्शन है, मैट मिल जाएगा आपको, ग्लोव्स मिल जाएगा आपको और ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे आपको। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं एक्सिस, जो कि सब ब्रांड है हमारा MT का। सो दिस इज द एक्सिस ईगल, तो एक्सिस ईगल DOT सर्टिफाइड आपका, ISI सर्टिफाइड आपका एंड ECE सर्टिफाइड आपका, ये नहीं है सिर्फ टू कंट्री सर्टिफाइड है ये। एंड अगर हम बात करें इसके अंदर की, इसके अंदर आपको एक सनवाइजर देखने को मिल जाएगा, काफ़ी प्यारी शेप है। जैसे एज यू नो कि MT इज़ ऑल्सो प्रीमियम ब्रांड, सो MT का ही एक्सेस है, तो एक्सेस की जो बिल्ड क्वालिटी है कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें, बहुत प्यारी बिल्ड क्वालिटी है इसकी भी। और इसकी रही बात प्राइस रेंज की, चंदन जी इसका प्राइस मेरे दिमाग से सही बोल, 4,800 तो 4,800 इसका आपको प्राइस मिलने वाला है। एंड आपको इसके अंदर काफ़ी कलर्स मिल जाएंगे, फिलहाल तो डिस्प्ले में अभी 1, 2 एंड 3 एंड 4 ये चार पड़े हुए हैं,
ऑन ऑर्डर एज सून एज पॉसिबल इसके हम और ग्राफिक्स भी मंगाने वाले हैं जस्ट फॉर योर डिमांड। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एमडी की। अब बात आ गई एमडी की, जिसके हम ऑथराइज डीलर हैं, जिसके नाम से राइडर्स प्लैनेट जाना जाता है। सो एमडी के काफ़ी मॉडल्स आते हैं, स्टार्ट करेंगे हम हमर से, बिकॉज द बजट फ्रेंडली हेलमेट ऑफ एमडी इज हमर। सो दिस इज द हमर सीरीज। इसके अंदर आपको डुअल वाइजर नहीं मिलने वाला, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर सिटी राइडिंग। अब इसको सिटी राइडिंग में पेंसिल जो DOT सर्टिफाइड है, ISI सर्टिफाइड है एंड ECE सर्टिफाइड है आपका। एमडी के ज़्यादातर हेलमेट्स आपके 3 कंट्री सर्टिफाइड होते हैं एंड एमडी के कुछ हेलमेट्स हैं जो 4 कंट्री सर्टिफाइड भी होते हैं, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। हेलमेट आपको पड़ने वाला है सिर्फ 5,250 रुपीज़ का। एंड रही बात डिस्काउंट की, ना, एमडी इज ओनली वन ब्रांड की, इसके अंदर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला। जो इसकी MRP है वही आपको MRP रेट मिलने वाले हैं। तो एमडी के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। एंड अगर आप तब भी आओगे, आप निराश ना हो, तो उसके लिए मैं आपको अपनी शॉप से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री साथ में ज़रूर दूंगा, जिसको लेने के बाद आप खुश हो गए जाओगे कि डिस्काउंट नहीं मिला बट कॉम्प्लीमेंट्री कुछ हमें यहाँ पे मिल चुका है। डन, उसके बाद हम बात करेंगे बट इन हाई मॉडल्स, लो मॉडल्स में नहीं, हाई मॉडल्स में कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री आपको देने मिले। डन, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ब्लेड 2 की। दिस इज अ ब्लेड 2 विच कम्स विद अ डुअल। सबसे पहली मेन बात, इसके अंदर आपको मिल जाएगा बटन। दिस इज बिकॉज कि आप जब बाइक चलाते हो काफ़ी हाई विंड ब्लास्ट में, अगर आपका वाइजर ना खुल जाए तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसका वाइजर लॉक मिल जाएगा। एंड इसके अंदर आपको डुअल वाइजर मीन्स आपका जो ये सन वाइजर है इसके अंदर मिल जाएगा। एंड रही बात एमडी की क्वालिटी की, पैडिंग इसे काफ़ी सॉफ्ट है और प्रीमियम तो है ही है ये। और इस समय ये वाला मॉडल हमारे पास ऑफर में आ रखा है, प्राइस इसका 9,000 कुछ है, बट लेकिन इस समय हमारे स्टोर में ये सिर्फ दिस हेलमेट, ओनली दिस हेलमेट ये आपको पड़ने वाला है 7,500 रुपीज़। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे ऑलराउंडर हेलमेट की, जो कि आपका 4 कंट्री सर्टिफाइड है, ECE, ISI, DOT एंड द शार्प रेडिंग 4। सो दिस इज द एमपी थंडर 3 प्रो। सो ये आपका हेलमेट है, इसके अंदर आपको काफ़ी तरह के ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। एमडी थंडर 3 इज द ओनली हेलमेट जिसके अंदर आपको बहुत तरह के ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, बहुत तरह के। आपका ये DOT, ISI, ECE एंड शार्प रेडिंग 4 के साथ आपको हेलमेट मिलने वाला है। एंड डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द शार्प रेडिंग 4? सो शार्प रेडिंग 4 आपका मैं सिंपल बताऊंगा, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। इससे कोई गाड़ी खरीदते हो, गाड़ी की रेटिंग होती है क्या सेशिंग में कि 5 स्टार है, 4 स्टार है। सो ऐसे ही हेलमेट की भी ये कह सकते हैं कि ये UK की ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे इसकी क्रैश टेस्टिंग की जाती थी। सो इसको हेलमेट को आपको 4 स्टार्स दे रखे हैं। सो दिस हेलमेट कम विद द 4 कंट्री सर्टिफाइड एंड इस हेलमेट के अंदर आपको काफ़ी ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। सो जिसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वन ऑफ माई फेवरेट, तो मैंने LS2 को भी कहा था, इसको बोलूँगा तो गद्दारी हो जाएगी, बट लेकिन दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट, दिस इज द रेवेंज 2। दोनों रेवेंज 2 है बट दिस इज माई पर्सनल फेवरेट कलर। सो दिस इज अ शार्प रेटिंग 5 हेलमेट, ये पहला हेलमेट है जिसको शार्प रेटिंग 5 मिली हुई है, 4 कंट्री सर्टिफाइड है, DOT, ISI, ECE एंड शार्प रेटिंग 5। शार्प रेटिंग 5 इसमें मैंशन नहीं है बट लेकिन इस हेलमेट को दे रखिए शार्प रेटिंग 5। अगेन आपको इसके अंदर वाइजर पिन लॉक मिल जाएगा, पिन लॉक्स आपको सभी हेलमेट्स के अंदर मिलने वाले हैं, जितने भी हेलमेट्स मैंने आपको दिखाए हैं, एक्सपर्ट कुछ गिने चुने हेलमेट्स को छोड़ के। एंड सी द पैडिंग साइड द हेलमेट, देखने में लग रहा है प्रीमियम, मुझे तो कुछ ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। और डबल डियरिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगी। एंड द मेन थिंग इज दिस इज ओनली रेसिंग हेलमेट। सो ये आपका सिर्फ रेसिंग हेलमेट है, इसमें आप टूरिंग वगैरह आपको मतलब इतना अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज इसके अंदर आपको सनराइज नहीं मिलेगा। इसका जो विजन है बहुत वाइड नहीं है कि आपको टूरिंग के लिए जैसे वाइड विजन चाहिए होता था, तो वो नहीं है। ओनली फॉर स्पीड राइडिंग कि आपका जो निगाहें हैं सिर्फ सीधी रहे रोड पे। एंड इसके ग्राफिक्स, दिस इज द बारकोड एडिशन जो कि लेटेस्ट आया था हमारे पास अभी। और इसके अंदर आपको चिन कटिंग मिल जाएगा, अगेन आपको इसके अंदर नोज कटिंग मिल जाएगा, जितनी फैसिलिटीज आपको चाहिए सब मिलेंगी। एंड इसका वेट बहुत ज़्यादा लाइट है कह सकते हैं। और पहनने के बाद इसकी लुक मैं दिखाऊंगा, क्योंकि दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट हेलमेट। सो पहनने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी आती है,
तो आई होप इसकी लुक थोड़ी अच्छी आ रही होगी। पीछे से भी देखो कैसी आ रही है, पैडिंग्स बहुत ज़्यादा सूट है इसकी। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं, तो दिस इज ऑल्सो एमएक्स हेलमेट्स जो एसएमके की है, मैं आपको बताया नहीं। सो इनकी रेंज भी आपको मतलब 5,600-5,900 इसी के अराउंड मिल जाएगी आपको। द ग्राफिक्स वन जो आपको जो ग्राफिक्स वाले हैं उनकी पड़ेगी 5,900 एंड जो प्लेन वाले हैं उसकी ग्रोसिंग आपको पड़ेगी 5,600 रुपीज़। देन हम बात करने वाले एम पी का जो सबसे लास्ट मॉडल हमारे स्टोर में अभी अवेलेबल है वो है एम पी थंडर 4। आपको मैं ये वाला ग्राफिक दिखाऊंगा, दिस इज ऑल्सो माई फेवरेट। अगेन 4 कंट्री सर्टिफाइड, शार्प रेडिंग 4, ECE 2.06, दिस इज नॉट 2.05, दिस इज 22.06, DOT, ISI एंड गोल वाइजर इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज ओनली टूरिंग हेलमेट जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्विक रिसेंशन लॉक, इसके अंदर आपको डबल डी नहीं मिलने वाला। डबल डी मिलने का कारण मतलब ना कारण एक है, क्या बोल रहा हूँ, हाँ डबल डी मिलने का एक कारण मतलब डुअल डी ना मिलने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि दिस हेलमेट इज ओनली मेड फॉर एडवेंचर राइडिंग और नो ओनली फॉर टूरिंग ऑन टार्मिक रोड्स मतलब मीन हाईवेज। तो आपको बार बार उतारना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, पानी वानी देना पड़ेगा, प्यास लगेगी। सो उसके लिए आपको ज्यादा मतलब उसकी डुअल डी के सिस्टम ना खोलने पड़े। सो क्विक रिसेंशन लॉक मीन्स आप जल्दी से उसको खोल सके और जल्दी से उसको पहन सके जस्ट लाइक दिस सिंपल। खोलने के लिए ये आपका जो इसका थ्रेड कहाँ गया, ये रहा, ये हेलमेट बाहर आ गया। सो बहुत ज़्यादा सिंपल है इसको पहनाना और उतारना। सो ये हेलमेट की कॉस्टिंग जो आपकी जाने वाली है ओनली ऑन 12,950 रुपीज़, नेगोशिएबल नहीं है। सॉरी इसके लिए दिल से माफी चाहता हूँ मैं, बिकॉज वी आर द ओनली डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज डीलर ऑफ एम पी हेलमेट्स। अगर आपको दिखाऊंगा हमारे राइडर्स प्लान के स्टोर के एंट्रेंस में ही आपको यहाँ पर बोर्ड दीजिएगा, सो वी आर द ऑफिशियली ऑथराइज डीलर ऑफ एम पी हेलमेट्स। हमारे पास काफ़ी तरह की एसेसरीज भी होती है लाइक चेन लूप, चेन क्लीन एंड यहाँ पे मोबाइल माउंट्स और बालाक्लावास एंड आर्म स्लीव्स एंड छोटी मोटी जितनी भी एक्सेसरीज आपको चाहिए होती है सब आपको हमारे शॉप में मिल जाएगी। सो ये था हमारा आज का वीडियो। सो उम्मीद करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। तो हम मिलते हैं आपको अपनी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।